महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर घंटी बज चुकी है और बीजेपी कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। इस बीच महाविकास आघाड़ी ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, आज हम महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्र रख रहे हैं। इसके पहले हमने 5 गारंटी रखी थी। देश के लोग निवेश के लिए महाराष्ट्र और मुंबई की तरफ देखते हैं। ये चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। महाराष्ट्र में सभी लोग मुंबई की तरफ देखते हैं और सारी दुनिया के लोग और पूरे भारत के लोग भी मुंबई की तरफ देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से, एम्प्लॉयमेंट दृष्टि से, मैन्युफैक्चरिंग दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट दृष्टि से ये जो चुनाव है, ये देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अब आपको बता देते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में कौन कौन से बड़े वादे शामिल हैं। मुफ्त दी जाएगी बिजली। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, महाराष्ट्र में हम महिलाओं को फ्री बस की सुविधा देंगे और 3,00,000 किसानों की कर्ज माफी करेंगे। किसानों को 50,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि देंगे। बेरोजगार युवाओं को 4,000 रूपए का स्टाइपर दिया जाएगा। 25,00,000 की स्वास्थ्य बीमा को हम सर्वसम्मति से महाराष्ट्र में लागू करेंगे। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, महाविकास आघाड़ी को पहले 100 दिनों में हम सालान 6 गैस सिलेंडर 500 रूपए में देंगे। महाराष्ट्र में निर्भया महाराष्ट्र नीति बनाएंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। वहीं 2,50,000 खाली पड़ी रिक्तियों को भरा जाएगा। इसके बाद आरक्षण को बढ़ाए जाने का किया वादा। खड़गे का कहना है, राज्य में हमारी सरकार आने के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव कराएंगे। मिशन 2030 के तहत अहम कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा, राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को खत्म करेंगे। इसके अलावा सभी को बराबरी का अवसर भी दिया जाएगा। जीत मिलने के बाद राज्य में जातीय जनगणना कराई जाएगी और सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में 50% आरक्षण की मर्यादा को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी।